चित्रकूट के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत। 11 वर्ष की लड़की उसके पिता रामदास का आरोप है कि हम 15 तारीख के रात में अपने घर में सो रहे थे और अचानक से लड़की की माँ जागी और देखने लगी कि हमारी लड़की कहाँ है। जब देखी, हर जगह देखी, लड़की का कोई पता नहीं है और दरवाज़ा खुले थे खिड़की। तब हर जगह आप नात रिश्तेदारों में बात किए मगर कोई शिनाख्त नहीं मिली। तब हम कोतवाली में जाके रिपोर्ट्स दर्ज कराए और दिन में 16 तारीख को लोगों का फोन आया कि एक बेहोशी हालत में रामघाट में लड़की पड़ी। तब पुलिस ने जाके जिला अस्पताल में भर्ती कराए और उसकी जांच चल रही है, अभी उनकी दवाई हो रही है। भाई बच्चे के साथ है बलात्कार किया था, ले गए घर से, उठा करके ले गए हों, आज जो भाव हो, रात में हम नहीं जाना था, सो गए थे दवा खा कर के। पिताजी उनके दवा खाते थे तो हम सो गए थे। अब फिर जब जगह आँख खुली हमारी तो हम ढूंढने लगे, सबने ढूंढा बाथरूम वाथरूम में, कमरन मानी, जब नहीं मिले थे तो फिर छत में गए थे हमने, वहाँ पे नहीं मिली थी। किस तारीख की घटना, कै बजे रात की है? 2 बजे रात की है यार। तो हम पिता के जगह गए, तो हमारी लड़की नहीं मिल रही। फिर सूचना दे सवेरे, जब सूचना दिया है तो फिर उधर से फोन किया है कि छीतापुर का एक सुरेश पुलिस वाले, तो उन्हें हमको फोन किया था घर का, कहा एक लड़की ने बैठी है इधर पुरानी कोतवाली के पास, तो अपना देख जाओ, चक्कर आ रहा है मुझे, अब बैठ लेटी है। फिर गए तो वहाँ पचीन गाँव थे, सब पे पुलिस लेकर इधर आई, यहीं भर्ती कर दी। भर्ती कब की अस्पताल में? परसों। किसी से आपकी दुश्मनी नहीं थी हमारी, हम किसी से मतलब नहीं रखते थे, अपने घर से मतलब रखते थे। बिटिया सिलाई करती थी अपनी, सिलाने पिलाने आते थे। पढ़ाई करती रहती थी तो बंद कर दिया है, जब लॉकडाउन लगा है तब से बंद हो गई थी। तो क्या करती हैं आप, परमली में लिख गए? हाँ। तो लड़की के स्वास्थ्य कैसे हैं? स्वास्थ्य बढ़िया है उसकी। लड़की हमारे 2 बजे रात के गोल हो गई थी, हमारे पास माँ के साल लेटी थी, वो लड़की जाके वहाँ मिली सीतापुर रामघाट के पास, बेहोशी हालत में, उसको लेके पुलिस वाले यहाँ किया इमरजेंसी रूम में, और उसका इलाज चल रहा है। हाँ लिख गया, नाम नहीं लिखा गया, अज्ञात लोगों ने। अब लड़की कबूल कर दे जिससे, फिर नाम दर्द हो जाएंगे, कौन ले गया, कितने आदमी ले गए, कबूल नहीं कर रहे। चित्रकूट के लिए जो ये आज ये घटना घटित हुई, बहुत ही दुस्साहित घटना है, और ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से समाज को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटनाएं होती हैं। एक बहुत बच्ची के साथ इस तरह उठा के ले जाना और ऐसा अनैतिक कार्य करके उसको सड़क में फेंक देना, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और प्रशासन से हमारी मांग है कि बच्ची का इलाज कराकर तत्काल जो हम मुकदमा पंजीकृत कराकर सुसंगत धारा में, और आरोपियों की गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराया जाए और दोषियों को किसी प्रकार से भी बख्शा ना जाए। जो हमारे साथ घटना हुई है उसकी कार्रवाई होना चाहिए, यही हमारी मांग है। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि 24 घंटे के अंदर तत्काल गिरफ्तारी करें और पीड़ित परिवार को ना दिला। थाना करबी क्षेत्र में कल रात को हमें सूचना मिली थी कि एक लड़की जिसकी की उम्र करीब 13 वर्ष है, वो घर से कहीं गायब है, जिस पर कि हम लोगों द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी, और जिसमें आज दिन में ये लड़की रामघाट के पास हम लोगों को बरामद हुई है। सूचना मिली थी कि ये लड़की वहीं पर है, तो जिस पर इसको बरामद किया गया। इसमें लड़की से अभी जो पूछताछ की गई है उसमें इसने बताया कि एक लड़का है वहीं का, जिस जो इसको राजापुर ले गया था, और फिर राजापुर से फिर ये इसको रामघाट छोड़ गया है। अभी हम लोग इसमें और जांच कर रहे हैं और इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है,
और जो भी आगे साक्ष्य और जो इनके बयान है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।